ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग आयुष की जो काउंसलिंग हुई है उसका जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। आयुष यानी आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा, इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में जो एडमिशन राउंड वन की काउंसलिंग डबल ए ट्रिपल सी जिसे करती है उसका राउंड वन का रिजल्ट क्या रहा कट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट एडेड प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इन सभी कोर्सेज के लिए कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट काउंसलिंग को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडिका विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस बात हो रही है आयुष के काउंसलिंग की और राउंड वन का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया गया और डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पर जो फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें कि डिफरेंट कॉलेजेस में क्या कट ऑफ रहे तो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कट ऑफ डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस की, डिफरेंट कोटा की, सीरियल नंबर, रैंक यहाँ पर मेंशन है, नीट मार्क्स क्या रिक्वायर्ड थे राउंड वन में वो मेंशन है, किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अलॉट किया गया है, ये लास्ट अलॉटमेंट कोर्स कौन सा है और उसके बाद अलॉटेड कोटा राइट और कॉलेज का नाम यहाँ पर मेंशन है। अभी लास्ट कट ऑफ की अगर हम बात करें कि सेकेंड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बीएमएस, बीओएमएस, बीएसएमएस या फिर बीएचएमएस के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू तो क्या एक्सपेक्टेड रहेगा, इस मार्क्स से आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको मिनिमम जो मार्क्स हैं उस हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा सेकेंड राउंड में या फिर नहीं मिलेगा। इस वीडियो में हम ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जितने भी अलॉटमेंट लास्ट अलॉटमेंट हुए हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट का, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड का प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का और डीम्ड के कॉलेजेस में भी लास्ट क्या अलॉटमेंट गया है कंप्लीट कट ऑफ हम आपके साथ शेयर करेंगे। बात अगर करें कि ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड में यानी गवर्नमेंट एडेड के जो कॉलेजेस हैं उनमें बीएमएस की क्या कट ऑफ रही तो ओपन 533 पर, ओबीसी 529 पर, ईडब्ल्यूएस 529, एससी 419 और एसटी कैंडिडेट्स का लास्ट अलॉटमेंट बीएमएस गवर्नमेंट एडेड में 352 मार्क्स पर हुआ है। बीएचएमएस ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में ओपन 458, ओबीसी 450, ईडब्ल्यूएस 430, एससी 363 और एसटी का 303 मार्क्स पर हुआ है बीएचएमएस ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में। ऑल इंडिया कोटा यानी जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कोटा में अगर हम बीएमएस की बात करें तो ओपन 544 पर लास्ट, बीएमएस ईडब्ल्यूएस में 542, ओबीसी 539, एससी 427 और एसटी का 363 मार्क्स पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ है। वहीं पर बीएचएमएस में यानी होम्योपैथी के जो कॉलेजेस हैं उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस में लास्ट अलॉटमेंट ओपन का 461, ओबीसी 455, ईडब्ल्यूएस 443, एससी 371 और एसटी 300 मार्क्स पर लास्ट अलॉटमेंट। बीएसएमएस यानी सिद्धा का जो मेडिकल कॉलेजेस हैं ये टोटल दो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि तमिलनाडु में है और यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट का जो कट ऑफ बहुत ही कम कट ऑफ है ओपन 484, ओबीसी 476, EWS 397, SC 366 और ST कैंडिडेट का 304 मार्क्स पर लास्ट एडमिशन। वहीं पर अगर ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में BUMS की बात करेंगे यानी यूनानी मेडिकल कॉलेजेस, यूनानी के कोर्स में जो लास्ट कट ऑफ है यहाँ पर मेंशन है, आप अपने फ्यूचर रेफरेंस लिस्ट को देख सकते हैं। सबसे हाई कट ऑफ जो रहती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नेशनल इंस्टीट्यूशन की रहती है और इसमें BMS और BHMS की अगर हम बात करें BMS में 568 ओपन, 558 ओबीसी, 556 SC का और ST 382 प्लस ओपन PWD कैंडिडेट्स का जो अलॉटमेंट हुआ 143 मार्क्स पर हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। वहीं पर अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में BHMS की बात करें तो फिर यहां पर 496 पर ओपन कैटेगरी का और इसके अलावा अगर हम EWS, OBC, SC, ST की बात करें तो 468, 461, 371 और 322 पर लास्ट अलॉटमेंट राउंड वन की काउंसलिंग 2023 डबल ए ट्रिपल सी जो की कर रही है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बीएसएमएस का सिर्फ एक कॉलेज है जो कि तमिलनाडु में है और यहाँ पर ओपन, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के कट ऑफ यहाँ पर मेंशन है, आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको नोट कर सकते हैं। अजमल खान तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ में बीओएमएस का लास्ट एडमिशन 564 मार्क्स पर हुआ है। वहीं पर अगर बीएमएस में आप डीम्ड कॉलेजेस की बात करेंगे तो बहुत ही कम मार्क्स पर लास्ट एडमिशन हुआ है, भारतीय विद्यापीठ में 293, डीवाई पाटिल आयुर्वेदा कॉलेज में 278 पर, केली यूनिवर्सिटी में 208, महात्मा गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में 198 और इसके अलावा जितने भी डीम्ड के कॉलेजेस हैं अमृता या फिर डीवाई पाटिल जो कि पुणे में है, इसके अलावा श्री जयेंद्र सरस्वती आयुर्वेदिक कॉलेज, सुमनदीप विद्यापीठ, इन सभी कॉलेजेस में बहुत ही कम मार्क्स पर 110, 113, 127 मार्क्स पर एडमिशन हुआ है। सेम केस बीएचएमएस के लिए भी यानी होम्योपैथिक के लिए डीम्ड कॉलेजेस में बहुत ही कम कट ऑफ गया है और ये मार्क्स जो रेंज है
वो 131 से लेकर 107 पर अलॉटमेंट हुआ है। हालांकि 107 और 11 जो 110, 113 और 111, 115 ये जो मार्क्स हैं ये ओबीसी या फिर एससी एसटी कैंडिडेट्स के हैं जिनको कि ओपन में अलॉटमेंट हुआ है डीम्ड के कॉलेजेस में। वीयूएमएस में मैनेजमेंट पेड सीट जो कि हमदर्द दिल्ली में है वहां पर लास्ट कट ऑफ जो गया है वो 384 का गया है, राइट। जामिया हमदर्द का जो कॉलेज है यहाँ पर वीयूएमएस के लिए 384 पर एडमिशन हुआ है। सो ये कट ऑफ है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की जो कि IEEE के थ्रू ऑर्गेनाइज की गई है। अगर आपके मार्क्स इस मार्क्स के आसपास हैं, थोड़े बहुत नीचे भी अगर हैं, तो कोर्स वाइज अगर आप एडमिशन चाहते हैं BMS, BUMS या फिर BSMS में और BHMS में, और ये कोर्सेज डिफरेंट अलग अलग कोटा की अगर हम बात करें, सो इस वीडियो के रेफरेंस से आप देख सकते हैं कि आपके मार्क्स अगर इसके आसपास हैं, थोड़े बहुत कम भी है इस मार्क्स से आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो नो डाउट कि आपको सेकेंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में आपको एक कॉलेज आपके कोर्स के हिसाब से मिल जाएगा। नेक्स्ट के वीडियोज में क्या एक्सपेक्टेड सीट मैट्रिक्स आएगी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में, उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। आप मिट कविंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिट कविंग, थैंक्स अ लॉट।